के लक्ष्य के लिए। नतीजे तो बढ़िया ही, लेकिन स्टॉक पर कमेंट्री में इन्होंने ये कहा कि हाई ग्रोथ हाई डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, इसके चलते स्टॉक पर ये बुलिश है। और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी अगर आप देखें तो अच्छे नतीजों के बाद करीब 5% की बढ़ोतरी की है। सन फार्मा में और काफी दिनों के बाद एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं 850 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि भारतीय कारोबार में भी अगर आप देखें तो आगे जाकर 10% सीएजीआर तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मान रहे कि स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है सीएट पर और यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है 1280 रुपए के लक्ष्य के लिए। इनका एनुअल इन्वेस्टर डे हुआ था जहां पर मैनेजमेंट ने अग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं, इसके चलते ये रिपोर्ट आते हुए दिखे। सीएससी हमारा एसआईपी स्टॉक, यहाँ पर अब सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 946 रुपए के लक्ष्य के लिए, 780 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि हाई कैश फ्लो इस बार जनरेशन होते हुए नजर आए, रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड तो काफी बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी बहुत अच्छे और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी अगर आप देखें तो करीब 2% की बढ़ोतरी की है। एचयूएल नोमिरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए, 2417 की कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि आगे जाकर जो है मार्केट शेयर में बढ़त देखने को मिल सकती है। एक्सिस बैंक पर नजर रखिएगा, सीएलएसी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा 1025 रुपए के लक्ष्य के लिए, 738 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान लो कि कॉर्पोरेट साइकिल जो है अब बदलती हुई नजर आ रही है और जो दूसरी वेव आई कोरोना वायरस की, इसका जो है ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और मैनेजेबल स्थिति है, जिसके चलते अभी भी स्टॉक पर ये खरीदारी किराए दे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है नजारा टेक्नोलॉजीज पर, सीएलएसी की रिपोर्ट है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है लेकिन बिकवाली के राय के साथ, 1665 जो है कल की क्लोजिंग है, ये बिकवाली के राय के साथ इन्होंने कवरेज शुरू की है, 1095 रुपए का लक्ष्य दिया है। और रिपोर्ट में लिखा है कि जो ई स्पोर्ट सेगमेंट है इनका, यहाँ पर जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर ये बिकवाली के राय दे रहे हैं। एनबीएफसी पर भी फोकस रखेगा, यहाँ पर एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है जहां पर ये कहा गया है कि ट्रक ओनर्स का सर्वे किया गया जिसमें मालूम पड़ा कि जो ईएमआईज है इसमें डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है और जो लोन ग्रोथ है इसमें भी धीमापन है, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में कंपनियों के कटौती की है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर देखे